दिस इज कृष्णा ऑन एन अकेडमी और आज आप लोगों को हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा जो दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली आजकल सुर्खियों में है, तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है कि दिल्ली की नींव कैसे पड़ी, दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी। वैसे मैं बता दूं, दिल्ली की जो स्थापना हुई थी दिल्लिका के नाम से हुई थी। एक राजपूत थे, राजपूत का नाम था तोमर वंश के थे, अनंगपाल तोमर, उन्होंने दिल्ली की स्थापना करी थी। बाद में गोरी ने अपने दास छोड़े थे, इल्तुतमिश के जो है ससुर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है लाखों का दान देते थे, इस वजह से इनको लाख बख्श कहा जाता था। जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ये गोरी की इतनी इज्जत करते थे कि गोरी के ही सीट पर खुद पर नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने मलिक और सिपह सालार की उपाधि ली, वो मानते थे कि गोरी ही हमारा राजा रहेगा। लेकिन इसलिए इनको केवल संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ही वास्तविक संस्थापक थे क्योंकि इन्होंने राजधानी दिल्ली बनाई। तो ये छोटा सा फैक्ट आपके काफी काम आएगा। तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय।